Hello, fourth class student. In this video, I am giving you a homework related to Neha's alarm clock. How you complete your homework in your notebook? Let's see. Dear student, this is the new words from to Neha's alarm clock. Look at this. How you complete your homework in your notebook? This type. Snuggles, muters, window, sill, relax. This is the new words. Two chapter and next one is reading is fun. तो इसमें आपको question and answer नहीं मिलने वाले, इसमें सीधे tick the correct answer है. तो आपने यहाँ पे लिखना है tick the correct answer. उसके बाद okay, उसके बाद पहला जो question है, what time did Neha's clock ring every morning? यानी जो नेहा की जो alarm clock है वो कितने बजे सुबह को बजती थी. तो आपने उसमें book में देखेंगे आप, वहाँ पे आपके पास तीन option है, पर आपको notebook में सीधे right answer लिखना है. तो answer जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6 o'clock. Question number 2, what did the birds say? जो chapter में birds हैं वो क्या कहती हैं? तो answer है wake up. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको हमेशा एक टाइम पर उठा देता है? तो आंसर है बेटा आवर बॉडी क्लॉक. ओके, तो ये आपके जो क्या है रीडिंग इज फन से जो क्वेश्चन है तीन, ये वो है टिक द करेक्ट आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्या करना है, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर. One has been done for you. यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छी तरह से रीअरेंज नहीं किए गए हैं कुछ वर्ड, उनको हमने अच्छी तरह से रीअरेंज करना है फिर उनको सही वर्ड बनाने. तो यहाँ पे देखो आई एल ई एस एम, तो उनसे क्या बनने वाला है, स्माइल, एस एम आई एल ई स्माइल, आपने उनको ऐसे बनाना है. फिर है एम ए आर ए एल ए, तो इसको हमने क्या बनाया, अलार्म, ए एल ए आर एम अलार्म. नेक्स्ट है O C K L C, तो इससे क्या बनेगा हमारा क्लॉक, C L O C K क्लॉक. फिर नेक्स्ट है बेटा नॉर्मिंग, तो देखो N O R M I N G, तो इससे हमारा क्या बनेगा मॉर्निंग, M O R N I N G. फिर इसके बाद देखो ठीक है E D O R N S, इससे हम अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा इंडोर्स, E N D O R S इंडोर्स. फिर है W O D W I N, इससे क्या बनने वाला है, हमने सही तरह से लेटर को लगाना है और बनाना है विंडो, W I N D O W, तो विंडो, तो यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है विंडो. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज द हेल्पिंग बॉक्स टू द फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे एक हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, वॉज और वर, तो इन दो वर्डों का इस्तेमाल आपने सेंटेंस में करना है. तो पहला जो सेंटेंस है वो है सेंटेंस ए, कौन सा सेंटेंस जो ए है हमारा, वो है राम अ गुड फुटबॉल प्लेयर. तो क्या आएगा यहां पे, राम आ सिंगुलर है तो इसलिए वहां पे क्या आएगा वाज आएगा. सेंटेंस नंबर जो बी है वो है द काउज, द काउज यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा वर आएगा, तो द काउज वर ग्राजिंग इन द फील्ड. सी माय टॉयज, मेरे जो खिलौने हैं, तो उसमें क्या है टॉयज मीन्स है बहुत सारे खिलौने, तो वर ब्रोकन क्योंकि प्लूरल के साथ वर आएगा. फिर डी हर फ्रॉक, तो हर फ्रॉक यानी उसकी जो क्या है फ्रॉक है, तो सिंगुलर है तो वर्ज टू लॉन्ग. ओके, तो वर्ज का इस्तेमाल, सिंगुलर होगा तो वर्ज का इस्तेमाल, प्लूरल होगा तो वर का इस्तेमाल. तो देखो ठीक है ई द मार्केट क्लोज्ड, तो क्या आएगा मार्केट सिंगुलर है तो वर्ज आएगा. फिर है एफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस यानी बहुत सारे बच्चे, तो प्लूरल है वर हैप्पी, तो वर आएगा. एंड द लास्ट जी द फ्लावर्स वर कैप्ट इन अ वेस, तो वर आएगा, फ्लावर्स है बहुत सारे तो क्या आएगा कैप्ट इन द वेस, तो वर आएगा. तो इस प्रकार बच्चा आपको जैसे मैंने किया स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपको अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है. डियर स्टूडेंट, आपने देखा कैसे आपको अपना होमवर्क अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करना है. तो आप अच्छी हैंडराइटिंग के साथ ये जो मैं होमवर्क और मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से समझें और उनके आंसर और क्वेश्चंस अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर करें. थैंक यू.